खबर उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां पर यूनियन बैंक टिहरी में हुए करोड़ों के घोटाले मामले में टिहरी पुलिस ने पंचकुला हरियाणा से आरोपी एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टिहरी पुलिस ने आरोपी सौरभ सुखीजा को हरियाणा के पंचकुला से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि बैंक घोटाले के मामले में पुलिस कुछ आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। टिहरी से बलवंत सिंह की रिपोर्ट। टिहरी कोतवाली में 4/9/2022 को एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लगभग 4,85,00,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। और इसमें पहले मेन एक्यूज्ड हैं जो वो इस समय जेल में हैं, और इसी में फर्दर इंक्वायरी में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है और हमारी सर्विलांस वगैरह, तो आगे एक लिंक हमें मिला था इसमें कि लगभग 85,00,000 रुपये एक खाते में गए हैं।